अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? मैं एकदम बढ़िया। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज जा रही हूँ अपने घर और ये मैं पहुँच गई। खुशबू की शादी की कुछ तैयारियाँ करनी बाकी थी, इसलिए तो मैं आपको बताऊँगी कि मैंने क्या आगे कितनी चीज़ें की और मैंने आगे एक रेसिपी भी बताई है, तो आप ज़रूर पूरा ब्लॉग देखें। और देखिए, यह मेरा आवाज़ सुनकर सुल्तान तुरंत ही मेरे पास आ गया क्योंकि उन्हें मसाज करवानी थी और फिर अच्छे से मसाज एंजॉय की। स्टॉप, जो भी मेरी वीडियो देख रहा है और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो जाकर सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और खुशबू की शादी के ब्लॉग्स बहुत आने वाले हैं आगे, हल्दी मेहंदी निकाह ब्लॉग्स, तो उसे देखने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। बाद में हमने पिज़्ज़ा मंगवाया जोमेटो पर से क्योंकि बहुत ही भूख लगी थी, और फिर हमने सीरियल देखते हुए पिज़्ज़ा खाया और पिज़्ज़ा बहुत ही टेस्टी था और सीरियल को एंजॉय किया। और ये निदा यहाँ पर सुल्तान को परेशान करते हुए, खुशबू की शादी की पैकिंग हो चुकी है, ये सब हमने पैक किया हुआ है। सहरा ने मेरी बहुत हेल्प की और मिसबा ने भी। मिसबा दिखा दो, ये सब कुछ पैक किया है। जहरा ने भी हेल्प की बहुत सारी। क्यों जहरा? बहुत अब ऊपर का भी लेके आओ, जाओ। इतना काम करने के बाद शाम को चाय बनाई और उसके साथ में ये आलू की चिप्स, चाय के साथ बहुत ही अच्छी लगती है ये। और ये रेडी है हमारी गर्मा गर्म चाय चिप्स के साथ। आज हम बनाने जा रहे हैं इंस्टेंट मटन पुलाव, तो उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले हमें मटन को बॉईल करना होगा, तो मैंने कुकर ले लिया है, उसमें हम मटन को बॉईल करेंगे। उसमें डालना होगा हमें सबसे पहले 2 टीस्पून सॉल्ट, बाद में डालेंगे हम हल्दी 1.5 टीस्पून और डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून और बाद में हमें 2 ऑनियंस को कट करके डालना होगा। तो मिलते हैं मटन बॉईल करने के बाद। तो ये सब है मेरी रेसिपी की इंग्रेडिएंट्स। ये है 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, ये है 1.5 टीस्पून हल्दी पाउडर, ये मैंने 2 ग्रीन चिलीज को कट करके रखा हुआ है, साथ में एक टमाटर है। ये है मीट मसाला 2 टेबलस्पून, ये है मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर 2 टेबलस्पून, ये है धाना जीरा पाउडर, ये है 3 टेबलस्पून नमक स्वाद अनुसार, ये मैंने राइस को सोक करके रखा हुआ है पहले से, और ये बिरस्ता है मीन्स ओनियन, इनको मैंने पहले से गोल्डन फ्राई करके रखी हुई है, इसलिए मैं वो क्लिप बता नहीं पाई, लेकिन मैंने पहले से करके रखी हुई थी, इसलिए ये है 2 ऑनियंस। ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं, जो भी मसाले मैंने आपको बताए, उन सब को इस तेल में नाक के 2 से 3 मिनट तक हमें भूनना है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा पुलाव बनाना। सबसे पहले हमें डालना है तेल, तेल डाले बाद उसे थोड़ा गर्म होने दे और जो भी हमने मसाले लिए थे उन सब को इसमें थोड़ा भूनना है, और उसके बाद डालना है हमें 2 काली मिर्च और उसे थोड़ी देर के लिए फ्राई होने दे तेल में। और ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं, उन सबको हमें तेल में डालकर भूनना है। मैंने अब सब मसाले अंदर डाल दिए हैं और थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे 2 से 3 मिनट पर लो फ्लेम पर भूनने दे। जो हमने मटन बॉईल किया था वो इसमें डाल दें और वापस से लो फ्लेम पर
एक या दो मिनट तक भूने। देखिए इसका कलर कितना प्यारा है। अब इसमें हमने जो चावल सोक करके रखे थे उसे ऐड कर दें। इसमें पानी ऐड कर दें। है मेरे यहाँ सबको पसंद है इसलिए मैं डाल रही हूँ, अगर आपको नहीं पसंद आप नहीं डालें। आलू ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है तो डालें और नहीं भी डालेंगे तो चलेगा। थोड़ा सा सूखा फुदीना डालें ऊपर से और बाद में जो हमने ओनियन फ्राई की थी ना वो डाल दें। अब इसे ढक दे और दो से तीन सीटी लगने दे और उसके बाद हमारा पुलाव रेडी हो जाएगा। तो मिलते हैं पुलाव बनने के बाद। रेडी है हमारा इंस्टेंट मटन पुलाव। आ गए पेपर देखे? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा अच्छा गया? अल्हम्दुलिल्लाह। इनका पेपर था आज, पढ़ाई तो की नहीं होगी, क्या खबर कैसा पेपर गया।